स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे पीएम मोदी। चार राज्यों के 18 जिलों में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अभी खत्म नहीं हुई दूसरी लहर। जारी हुए सीबीएसई 10वीं के नतीजे, लड़कियों का प्रदर्शन इस बार भी रहा लड़कों से बेहतर। भोपाल में जहरीली शराब बेचने वालों पर कसा शिकंजा, एमपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बैतूल में राज्यपाल पहुंचे आदर्श सोलर गांव, ग्रामीणों से सोलर ऊर्जा की ली जानकारी। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर अब आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित विधेयक के प्रारूप पर चर्चा की गई। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपितों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकेगी। वहीं जुर्माने की राशि को भी अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। वहीं अवैध शराब की बिक्री करने वालों को पकड़े जाने के लिए अब आबकारी की टीम और अन्य जांच दल पर हमला करने के मामलों में अब 3 साल तक की सजा हो सकेगी। बता दें कि पहले मिलावटी शराब पीने से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो पहली बार आरोपित को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकेगी। वहीं दूसरी बार फिर से जुर्म को दोहराने पर आरोपितों को मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। वहीं शराब में मिलावट करने पर जुर्माना राशि 30,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। बता दें कि पहले मिलावट पर 300 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की मामूली जुर्माना राशि वसूली जाती थी। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला आया है जहां अब जहरीली शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? मध्य प्रदेश की भोपाल में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि जहरीली शराब बेचने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए दोहराने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जी, तो धर्मेंद्र, जिस तरीके से एमपी सरकार का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है, ऐसे में आबकारी टीम को और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? आबकारी टीम जब जांच पर जाएगी, उन पर अगर हमला हुआ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं तो जिस तरीके से 3 साल की सजा भी हो सकती है। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से लगातार शराब कांड के मामले मध्य प्रदेश से सामने आ रहे थे, ऐसे में जिस तरीके से आज ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, ऐसे में क्या साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार के ऊपर एक दबाव बन गया था? ऐसे दबाव तो बना हुआ ही था, इतनी मौतें होने के बाद में सरकार पर दबाव तो बनना लाजमी है। वही कई मौतें हुई है, उसको देखते हुए भी सरकार ने ये फैसला लिया है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जहरीली शराब बेचने वालों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अब जुर्माना राशि से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा अब बढ़ाई जा चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब आबकारी टीम को भी सख्ती से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में संशोधित विधेयक के प्रारूप पर चर्चा की गई, जिसके बाद ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में अब आरोपियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान जारी कर दिया गया है। वहीं जुर्माने की राशि को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर आप अवैध शराब की बिक्री को पकड़ने वाले जो टीम होती है उन सब पर भी हमला करने वाले मामलों में अब 3 साल की सजा भी हो सकेगी। बता दें कि इससे पहले मिलावटी शराब पीने से अगर किसी भी की भी मृत्यु हो जाती थी तो पहली बार आरोपियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा होगी। वहीं अब दूसरी बार अगर आप इस तरीके का जुर्म दोहराते हैं तो आरोपियों को मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। वहीं अगर आप शराब में मिलावट करते हैं तो जुर्माना राशि 30,000 से बढ़कर अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले 300 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की मामूली राशि ही वसूली जाती थी, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है।
वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल देश के पहले सोलर विलेज बैतूल जिले के ग्राम बाचा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सोलर ऊर्जा की जानकारी ली, साथ ही गांव की महिलाओं और हितग्राहियों से हितग्राही मूलक योजनाओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि राज्यपाल ने ग्राम बाचा के माध्यमिक स्कूल परिसर में राज्यपाल ने रुद्राक्ष के पौधे का रोपण भी किया और बच्चों को चॉकलेट बांटी। उन्होंने परिसर में आजीविका मिशन की महिला समूह द्वारा बनाई गई सामग्री का भी अवलोकन किया। गांव की चौपाल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर आदिवासी परंपरा से राज्यपाल का स्वागत भी किया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने पटेल ग्राम के अनिल के घर पर भोजन भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की बाढ़ स्थिति पर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण श्योपुर और शिवपुरी में बाढ़ के हालात इस वक्त बन चुके हैं। बीरपुर में भी इस वक्त चिंता की स्थिति बनी हुई है। मदद के लिए 5 हेलीकॉप्टर भी पहुंचे हैं। वहीं मौसम खराब होने के कारण शिवपुर के सिलवाड़ी में 400 लोग फंसे हुए हैं। वहीं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। बाढ़ की स्थिति है श्योपुर के वीरपुर और विजयपुर में, थोड़ा चिंताजनक है। अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी देर तक रात तक समीक्षा करते रहे, हम सब लोग पूरी सरकार ध्यान दे रही है। 5 हेलीकॉप्टर कल पहुंच गए थे और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं वहां मौसम खराब होने से। हेलीकॉप्टर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार थोड़ी देर के बाद में वो उड़ान भर। वहीं सीहोर के नसरुल्लागंज में आगामी 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्य उत्सव के अंतर्गत नसरुल्लागंज एसडीएम ने समस्त नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से दुकान की साफ सफाई और बोर्ड बैनर माइक टीवी टेंट से उपभोक्ता भंडार को सुसज्जित करने के भी निर्देश जारी किए गए। साथ ही पीले चावल देकर हितग्राहियों को आमंत्रित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश में अन्य उत्सव आयोजित कर लोगों को शासन की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया है। उसी के संबंध में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। नगर पालिका सिंगरौली में स्मार्ट सिटी के नाम पर जमकर धांधलेबाजी हो रही है। यहां अच्छी और चमचमाती सड़कों को भी निगम के अधिकारियों के द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर खुदवाकर पुनः बनवाया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बिचौलियों के माध्यम से धांधली हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए। निगम अधिकारियों की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पर कुल 9 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया गया था, लेकिन 9 करोड़ रुपए को नियमायुक्त के द्वारा पानी की तरह बेफजूल में बहाया जा रहा है, जिसके बाद सिंगरौली में नगर पालिका नगर निगम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम पर इस वक्त मनमानी करने के आरोप लग रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर धांधली की बात की जा रही है। आरोप है कि निगम के अधिकारी बनी हुई सड़कों को खुदवा कर दोबारा से बनवाने का काम कर रहे हैं। वहीं जो भी निगम के पास 9 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया गया था, उन सभी 9 करोड़ रुपए का नियमायुक्त द्वारा पानी की तरह बेफिजूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल, मेरा नाम मौनीश तिवारी है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। हम लोग हर प्रकार के टैक्स देते हैं, मकान टैक्स, रोड टैक्स, जो जो टैक्स बनता है वसूल ले रही है नगर निगम सरकार। लेकिन हमें स्मार्ट सिटी दिख रहा है, यहाँ तो कीचड़ में तब्दील है, यहाँ तो रोड गड्ढों में तब्दील है। समझ नहीं आता है कि हम आप लोग कहावत सुने होंगे ना कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी, यहाँ गड्ढों में गड्ढा रोड है कि रोड में गड्ढा है, समझे नहीं आ रहा है। यहाँ तो पहले सीवरेज ने खोदा, इसके बाद स्मार्ट सिटी खोद रही है, इसके पहले 1 करोड़ 42 लाख की रोड बनी थी, इसका पता नहीं चल रहा है कि क्या इस रोड की कुछ गारंटी भी है कि 10 साल 5 साल कुछ गारंटी मिलती है कि वैसे ही चली जाती है रोड कि जब मन तब खोद दें। नगर निगम बस खुदवा के पैसा खा रहा है। अमृत योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं, या सीवर लाइन का काम है, पेयजल का काम है, यह सही बात है कि रोडों का पूरा जो पूर्व में बनाए गए थे उनको सबको खोद डाल दिया जा रहा है
और यहाँ तक कि आम जन को चलने फिरने के लिए भी बड़ी कठिनाई सामना करना पड़ता है। बात यह है कुल मिला के कि जितना ये खुदाई करें पाइप डाल के और उतना वो निर्माण कर दें ताकि रोड फिर से रेडी हो जाए। वहीं खरगोन जिले के तहसील कसरावद में स्थित सेंचुरी में रोजगार का आंदोलन चल रहा है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने घेराबंदी की और बता दें कि कई श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही आंदोलन में लोगों के साथ दे रही समाज सेवी मेघा पाटकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कसरावद के गेस्ट हाउस संग्रहालय NVDA गेस्ट हाउस में उनको ले जाया गया। तो खरगोन से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर आंदोलनरत श्रमिकों के साथ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि रोजगार को लेकर सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा था जिसके बाद आज श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस की काफी बड़ी टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद श्रमिकों को वहां से हटाने का प्रयास किया गया। जब श्रमिकों ने उनकी बात को नहीं माना तो उसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए सभी श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आंदोलन में लोगों की मदद कर रही समाज सेवी मेघा पाटकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जबरन गिरफ्तारी उनके साथ की गई जिसके बाद उन्हें कसरावद के गेस्ट हाउस संग्रहालय NVDA गेस्ट हाउस में ले जाया गया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कैंपस के अंदर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान कर्मचारियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ यूनिवर्सिटी के बड़े पद पर बैठे लोगों के खिलाफ हंगामा किया। बता दें कि डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर हटाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था और कर्मचारी संगठन एकजुट होकर ये प्रदर्शन कर रहा है। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार रजनी ठाकुर लंबे समय से कर्मचारी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर गैर शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रही हैं, जिसको लेकर हम लंबे समय से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग प्रशासन से लगातार जारी है। तो इंदौर में अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर्मचारियों का देखने का मिला है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर के खिलाफ ये पूरा हंगामा किया है। आपको बता दें कि उनकी मांग है कि डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर को उनके पद से हटाया जाए। कर्मचारी संगठन एकजुट होकर ये पूरा प्रदर्शन कर रहा है, जिसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने प्राइम टीवी को बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार रजनी ठाकुर लंबे समय से कर्मचारी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और गैर शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ ही वो सारे काम कर रही हैं, जिसके खिलाफ अब लंबे समय से कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके बाद से उन्हें हटाने की मांग प्रशासन से की जा रही है। रायसेन के जंगलों में सागौन की लकड़ी को अवैध रूप से बेचने का काम लगातार जारी है। लकड़ियों को अवैध रूप से संचालन की जानकारी मिलते ही वन विभाग के लोग एक्टिव हो गए। वन विभाग की टीम ने एक्टिव होते ही मुखबिर की सूचना पर एक्शन लिया। परिक्षेत्र अधिकारी रविंद्र पाटीदार ने नेतृत्व में टीम ने कार्यवाही करते हुए एक गाड़ी को जब्त किया है, जबकि वन टीम को लेकर गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में अवैध रूप से वन लकड़ी के तस्करी के मामले सामने आते थे, जिसके बाद से वन परिक्षेत्र में भारी मात्रा में लकड़ियों की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद से लगातार वन विभाग इस पूरे मामले में एक्टिव मोड में नजर आ रहा था, जिसके बाद अब रायसेन में जंगलों में सागौन की लकड़ी के अवैध रूप से बेचने के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि लकड़ियों को अवैध रूप से संचालन की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद वन विभाग के लोग एक्टिव हो गए। पूरा मामले की जानकारी मुखबिर की सूचना पर मिली, जिसके बाद ये पूरा एक्शन में आया पूरा मामला, जिसके बाद परिक्षेत्र अधिकारी रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद एक गाड़ी को बरामद किया गया। वहीं वन अधिकारियों को अपने पास आता देख गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद से लगातार गाड़ी चालक की तलाश की जा रही है। सीहोर की खस्ता हाल सड़कों से परेशान वार्ड 11 के नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और जोरदार प्रदर्शन किया गया। वैसे तो नगर पालिका चुनाव अभी दूर की कौड़ी है, पर सड़कों की बदहाल स्थिति से वार्ड 11 के नागरिक परेशान हो चुके हैं। सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते वार्डवासी आए दिन गड्ढों में गिर कर हादसों का शिकार हो जाते हैं।
वहीं अब वार्डवासियों का सब्र का बांध भी टूट गया है और वार्डवासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसी ओर से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि सड़कों की बदहाल स्थिति से इस वक्त स्थानीय परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद वार्ड 11 के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया है। साथ ही वार्ड कर्मियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सड़कों की दिखा रहे हैं, किस प्रकार से सीहोर में बदहाल सड़कें मौजूद हैं, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे में बारिश के मौसम में कई लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशासन के खिलाफ लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने इंदौर विजयनगर स्थित कार्यालय से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बयान का जवाब देते हुए कहा कि मंत्री विश्वास सारंग ने महंगाई के लिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार नहीं ठहराया, ये राहत की बात है। मंत्री इस वक्त मानसिक तौर पर अस्थिर होकर इस तरह की बयानबाजी करके सिर्फ जनता के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस तरीके के बयान बेहद ही निंदनीय है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, चिकित्सा मंत्री हैं विश्वास सारंग जी और वो ये बोल रहे हैं कि महंगाई के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ज्ञानवान मंत्रियां। अच्छा है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि भगवान श्री राम किराना का सामान महंगा होने के लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने रावण से युद्ध करा था। उसके आगे भी वो जा सकते थे, ये भी बोल सकते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया, इससे पेट्रोल महंगा हो गया। ऐसे मंत्री, ऐसे विचार वाले लोग मध्य प्रदेश को कहां ले जाएंगे, ये तो बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है। इसका तो कोई शब्दों में जवाब ही नहीं है। दो लाइन इनके लिए बोल सकते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वहीं अरुण यादव के मैं सिंधिया नहीं हूं वाले ट्वीट पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं हुए हैं कि अरुण यादव को बीजेपी में लाया जाए। अरुण यादव की बीजेपी को आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के सभी स्थानों पर हमारे पास नेतृत्व मौजूद है, खंडवा में अनेक नेता हमारे पास है। वहीं अरुण यादव को बीजेपी में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके साथ ही बारिश के कहर और स्कूलों के खोलने जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि मंत्री ने क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। हमारे पास पूरे प्रदेश में सब स्थानों पर नेतृत्व है, और चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, अनेक नेता हमारे वहाँ पर हैं। इसलिए अरुण यादव जी को भारतीय जनता पार्टी में बात करने का या लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये उनकी अपनी अंतर्कलह है। अगर कांग्रेस का वो कह रहे हैं कि खून है, तो फिर बैठक में क्यों नहीं गए? जब कांग्रेस की बैठक थी तो उस बैठक में वो नहीं गए, उनके भाई नहीं गए, तो कांग्रेस के लोगों ने ही उनके खिलाफ बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थोड़ी बोला। सज्जन सिंह वर्मा जी ने उनके खिलाफ बोला, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। इसको बीच में भारतीय जनता पार्टी को लाने का कोई औचित्य नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी को कोई। वहीं कोरोना महामारी के दौर में समूचे इंदौर जिले को लीड करने वाले दफ्तर में अब अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने में डर लगता है। हालांकि ये डर किसी वायरस के फैल जाने का नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के जिस भवन में ये सभी काम करते हैं, उस भवन के हाल बेहाल हो चुके हैं। पिछले साल इस भवन की लेखा शाखा में आग लग गई थी, और उसके पहले भी भवन के हालात काफी ज्यादा खराब थे। अब आलम यह है कि
सीएमएचओ के बैठने के स्थान पर भी बारिश का पानी टपक रहा है। इस मामले में कर्मचारियों ने निर्माण के लिए कार्रवाई की मांग की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं मिला है। तो इंदौर से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां पर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर पानी पानी हो चुका है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के इस वक्त हाल बेहाल है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर भवन के आप खस्ता हाल को साफ तौर पर देख सकते हैं। बीते साल यहां पर आग भी लग गई थी, जिसके बाद से कोई भी निर्माण का कार्य यहां पर एक बार फिर से शुरू नहीं किया गया। वहीं भवन की छत से लगातार पानी बारिश का पानी टपक रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को वहां पर काम करने में भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोविड महामारी फैल रही है, ऐसे में सरकार के द्वारा कई तरीके के दावे पेश किए जाते हैं, वहीं जब सच्चाई पर उतर कर देखा जाता है तो किसी इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के काम देखने को मिलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के भवन ही इस वक्त खस्ता हाल है। वहीं इस भवन में अभी तक कोई भी कार्य निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिसके बाद से लगातार कर्मचारियों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल भवन के लेखा शाखा में आग लग गई थी, उससे पहले भी भवन के काफी ज्यादा खस्ता हाल थे, बावजूद इसके कोई भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई। अब आलम यह हो चुका है कि सीएमएचओ के बैठने के स्थान पर भी बारिश का पानी टपक रहा है, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर ये भवन तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये पूरा राइट ऑफ टाइप का कह सकते हैं, पर पुराना भवन है, इसमें जो रिनो तो हो चुका था, ये तो बैठने लायक कंडीशन थी, मगर पिछले अभी मई में हमारे यहाँ पे ऊपर के लेखा शाखा में और स्थापना में थोड़ी आग लग गई थी, उसकी भी हमने फिर ऊपर प्रशासन को इसका दे दिया था, प्रशासन को लिखित में भी दे चुके हैं, PWD को भी लिख के दे चुके हैं। तो अगर कहीं हमारी बैठने की व्यवस्था होती, क्योंकि पानी ऊपर से चुभ रहा है, तो मेरे ऑफिस में भी थोड़ा पानी का टपकने का रहा है, तो जैसे हमारी कोई व्यवस्था हो जाएगी। मंदसौर में पहले बारिश की कमी और फसलों की फैल रही बीमारी से किसानों की चिंता अब ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि कम पानी की वजह से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। जिले के अधिकांश इलाकों में सोयाबीन की फसल पर पीला मोजका बीमारी का साया है। गौरतलब है कि इस बार मॉनसून काफी देरी से आया है, ऐसे में पहले कम हुई बारिश से पूरी फसल सूख गई और फिर जब बारिश हुई तो फसलों को कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन अब पीला मोजक नाम की बीमारी ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि कीटनाशक दवाइयों का वो लगातार छिड़काव कर रहे हैं, बावजूद इसके फसलों में किसी भी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इधर कृषि दवाई विक्रेता की माने तो 5% से अधिक नुकसान होने पर कीटनाशक दवाई का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इस साल तो सोयाबीन की काफ़ी हालत ख़राब है। एक तो बारिश की वजह से भी फसल ख़राब हुई किसानों की, और अभी एक रोग आया है नया, सोयाबीन अपने आप पीली पड़ रही है। बहुत सी दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं लोग, किसान जाके दवाई की दुकान से लाला के खरीद के छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ कवर नहीं हो रही है। इस बार तो सोयाबीन की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, जो ऊँचे के खेत हैं उनमें ज़्यादा ख़राब है, और अब जो बारिश हुई है इससे। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड के नियमों का पालन करें। और इसी कड़ी में रतलाम में कोरोना से बचाव के लिए पहली मास्क की दीवार लगाई गई है। मतलब ये कि एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर मास्क को टांगा गया है, और जिन लोगों को भी मास्क की जरूरत है वो यहाँ से मास्क को ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मानव सेवा समिति रक्त केंद्रों पर मास्क की दीवार की शुरुआत की गई है। मानव सेवा समिति के लोगों का कहना है कि आगे भी इसी प्रकार से जरूरतमंद लोगों की मदद जारी रहेगी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।